हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पीसीएस पे एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं शाम के 8:30 और मैं लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यूज़ इन शॉर्ट। बहुत बेहतरीन, एक बहुत पॉजिटिव मूव लिया गया है पाकिस्तान में। ऐसा क्या किया गया है पाकिस्तान में जिसकी की क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़ाई हो रही है। सारी की सारी न्यूज़ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने सेशन को स्टार्ट करें, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्या करें, इस साल के आपके साथ मेरा जो आखिरी सेशन है उसको ज़रा सा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक कर दें। मैंने देखा कि आजकल तो वैसे भी बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है करंट अफेयर पढ़ने में, बट जो भी सीरियस बच्चे हैं उनको मैंने बोल चुका है। और क्या, जब आप लॉन्ग रन में 2022 का 2023 का अटेम्प्ट दे रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या करंट अफेयर पढ़े और उसका क्या क्या फ़ायदा हुआ। सारी की सारी वैल्यू आपको लॉन्ग रन में समझ आएगी। चलिए, एनीवे, जो भी बच्चे बार बार मेरा नाम पूछते हैं, नाम मेरा संस्कृति है और मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ। अभी हाल फिलहाल में आपकी करंट अफेयर की क्लासेस ले रही हूँ सुबह 8:30 बजे और शाम को 8:30 बजे। तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आ जाना है मंडे टू सैटरडे सुबह 8:30 और शाम को 8:30। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता बच्चे तो भी इस टाइमिंग पे, करेक्ट टाइमिंग पर इस यूट्यूब चैनल पर आपने बस आ जाना है, आपको मेरे सेशंस चलते हुए मिल जाएंगे। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे कंटेंट देने के बाद भी बस उनको ये शिकायत है कि मैम आप सामने डिजी बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ा रही है। रीजंस मैंने बता दिए थे, कुछ फैमिली में मेरे कुछ ऐसे यू नो कंपल्शंस थे। एक्चुअली माय एल्डर सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के घर पर हूँ और उसके कारण पेन टैब से ही आप लोगों के प्रति भी जो जिम्मेदारी है, घर वालों के प्रति तो जो जिम्मेदारी, उसे तो उनका तो निर्वाहन कर ही रही हूँ, आप लोगों के प्रति जो भी जिम्मेदारी है उसका भी निर्वाहन कर रही हूँ। लेकिन कल सुबह से जो हमारी 8:30 वाली क्लास होगी, नए साल की नई शुरुआत के साथ, एकदम निश्चिंत रहिए, मैं आपको डिजी बोर्ड से ही पढ़ाऊंगी। पर अभी देखिए, इधर उधर की बातें बाद में। इंडिया फर्स्ट नाम का एक क्या है, एक मीडिया हाउस है, देखिए उनका न्यूज़ यहाँ पर सामने मैंने लगा रखा है, उसका एक क्लिप लगा रखा है कि हिंदू टेंपल मैनेजमेंट कमिटी एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान। ओ माय गॉड, ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि हिंदुओं के मंदिर का जो एक प्रबंधक कमिटी है ना, उसका क्या किया गया है, उसको एस्टैब्लिश किया गया है कहाँ पे, पाकिस्तान में। ये वही पाकिस्तान है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है हिंदूज के पर्सिक्यूशन के लिए, सिख्स के पर्सिक्यूशन के लिए। उस देश में क्या किया गया है, हिंदू टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी का क्या किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है, ये देखिए इसमें लीडर्स हैं जो कि क्या होंगे, इस कमिटी के मेंबर्स होंगे। आगे और सारी चीज़ें आपको डिटेल में दिखाऊंगी। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, एक क्या है, मिनिस्ट्री है किसकी, पाकिस्तान में एक मिनिस्ट्री है, उनका ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने एक खबर शेयर करी थी। देखिए ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, उर्दू भाषा में है, बट हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर क्या करी, ये सारी की सारे बातें शेयर करी, खबर शेयर करी कि पाकिस्तान में किस चीज़ का गठन हुआ है बच्चे, हिंदू टेंपल मैनेजमेंट कमिटी का। अब चलिए क्या हुआ, पाकिस्तान ने बुधवार को ही घोषणा कर दी थी, ठीक है ना, कि उसने मुस्लिम बहुल देश में, ठीक है, मुस्लिम बहुल देश में अल्पसंख्यक समुदायों के मंदिरों की देखभाल के लिए, ठीक है, अब जैसे इंडिया में, हमारे यहाँ इंडिया में जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी है, वैसे ही पाकिस्तान में बच्चे जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो कौन सी है, हिंदू कम्युनिटी है। ठीक है, उल्टा उल्टा है, पाकिस्तान में हिंदूज माइनॉरिटी में है और इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनके मंदिरों की देखभाल के लिए, उनके मंदिरों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए किस चीज़ का गठन किया है, हिंदू नेताओं का पहला निकाय स्थापित किया है। इस निकाय का क्या नाम है, देखिए, हिंदू पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति, ठीक है ना, ये नाम है। इंग्लिश में क्या होगा, पाकिस्तान हिंदू टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। चलिए, जो अभी हमने न्यूज़पेपर के क्लिप में देखा था, इंग्लिश में वैसा नाम होगा, हिंदी में ऐसा नाम होगा। अब ये जो कमेटी है वो क्या करेगी, पाकिस्तान में जितने भी हिंदू कम्युनिटी के मंदिर वगैरह हैं उसके मैनेजमेंट की, उसकी देखभाल का काम करेगा कौन, पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति,
चलिए, अब क्या है, धार्मिक मामलों के मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन हमने बात करी थी, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही ये जो पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति है ना, उसका गठन किया, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, धार्मिक मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, उसने ही पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन कमिटी या समिति का क्या किया है, गठन किया है। अब हिंदुओं के लिए तो ऐसी कमिटी अभी अभी बनी है पाकिस्तान में, लेकिन सिख्स के लिए ऐसी कमिटी बन चुकी है, और उसका क्या नाम है, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, ठीक है। तो इस समिति का काम था कि सिख से रिलेटेड जो भी सिख धर्म के लोग हैं, उनके जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसके मैनेजमेंट के लिए, गुरुद्वारे के मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान में पहले से एक समिति एग्जिस्ट कर रही थी, जिसका कि क्या नाम था, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति। इसी के तर्ज पर अब हिंदू कम्युनिटी के लिए भी पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, किस चीज का गठन किया है, पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का क्या किया गया है, पाकिस्तान में गठन किया गया है। मैं तो कहूंगी बहुत अच्छा मूव है, बहुत एप्रिशिएबल मूव है, जिस तरीके से पाकिस्तान से खबरें आती हैं हिंदुओं के कंडीशन की और इन सारी चीजों की, तो काफी पॉजिटिव मूव है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। अब चलिए, ये जो समिति है वो हिंदी हिंदू पूजा स्थलों से संबंधित मामलों की देखरेख करेगी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि ये जो कमिटी बनी है, कमिटी में मेंबर्स होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से लोग क्या होंगे इस कमिटी के मेंबर्स होंगे। देखिए आपको स्क्रीन पे जितने भी हम नाम दिखेंगे, ये सारे वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में हिंदूज के लीडर हैं, ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान में हिंदू लीडर्स हैं ये सारे लोग। कौन कौन से लोग, दीवान चंद चावला, हारून सरब दयाल, मोहनदास नारंजन कुमार, मेघा अरोड़ा, अमित शदानी, अशोक कुमार, वर्सी मिल दीवानी और अमरनाथ रंधावा, ठीक है ना, ये सारे लोग क्या हैं, हिंदू लीडर्स हैं, कहाँ पर, पाकिस्तान में। और ये क्या है, इसी समिति के, इसी कमेटी के, पाकिस्तान हिंदू टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, और इस कमेटी के जो हेड बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं, वो कौन बने हैं, कृष्ण शर्मा नाम के व्यक्ति बने हैं, ठीक है ना। कृष्ण शर्मा जो है वो पाकिस्तान में ही बहुत बड़े हिंदू लीडर हैं, और उन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आपसे एकदम प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में अभी अभी गठित की गई पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है। इसी स्लाइड में से चार नाम उठा करके दिए जाएंगे, उसमें से एक नाम होगा कृष्ण शर्मा, और आपने सही आंसर क्या टिक करना है, कृष्ण शर्मा, क्योंकि कृष्ण शर्मा को ही इस प्रबंधन समिति का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। आई होप आप लोगों को यहां तक क्या हुआ होगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी, और आप लोगों को इस सेशन में थोड़ा सा भी अगर मजा आ रहा है, आपको लगता है कि ये सारे के सारे करंट अफेयर के सेशन आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करते हैं, तो बच्चे थोड़ा सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं देखती हूँ कि वैसे भी बच्चे आजकल कम आने लगे हैं, और दूसरा क्या, सेशन देख करके चले जाते हैं, पर ना कोई लाइक करता है ना कमेंट करता है। हम लोगों को भी क्या होता है, कभी कभी मोटिवेशन मिल जाती है कि देखिए बच्चों को अच्छा लग रहा है तो हम और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें। चलिए आगे देखिए, अब जो कृष्ण शर्मा है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हिंदू समुदाय की मांग पर कमेटी बनाकर इतिहास रच दिया है। एकदम सही बात है, मैं भी कृष्ण शर्मा के इस स्टेटमेंट से क्या रखती हूँ, इत्तफाक रखती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में फिर वही बोलूंगी कि जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी का परसिक्यूशन होता रहा है, जिस तरीके से बातें न्यूज़ में आती रही है, उन सारी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ऐसी कमेटी बना करके एक्चुअल में पाकिस्तान ने हकीकत में इतिहास रच दिया है। चलिए अब ये जो नई समिति आएगी, पाकिस्तान हिंदू टेंपल मैनेजमेंट कमेटी, वो क्या है, गैर मुस्लिम आबादी, जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के बीच में एक सेतु का काम करेगी। काफी सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, एकदम सही बात है, एकदम जनरल बात है कि जो पाकिस्तान की माइनॉरिटी है
उसके लिए क्या किया गया है, इतना बड़ा स्टेप लिया गया है, ठीक है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान केवल खबरों में रहता था हिंदू माइनॉरिटी के परसिक्यूशन के लिए, लेकिन अब एक बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा स्टेप पाकिस्तान ने लेने की कोशिश करी है, इनफैक्ट ये स्टेप ले ही लिया है इस कमिटी का गठन क्योंकि हो ही गया है। चलिए, तो पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सबसे बड़ा क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय है। जस्ट लाइक दैट पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो क्या है, सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ठीक है ना। सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का निर्माण पाकिस्तान में कौन से धर्म के लोग करते हैं, हिंदू धर्म के लोग करते हैं। यही चीज़ अगर इंडिया में पूछी जाएगी तो मुस्लिम धर्म के लोग करते हैं। चलिए, अब आधिकारिक अनुमान के मुताबिक लगभग 75 लाख हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है ना। 75 लाख हिंदू जो हैं वो पाकिस्तान में अभी भी रह रहे हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों के हिसाब से क्या है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ग्रुप माइनॉरिटी का है वो किसका है, हिंदू कम्युनिटी के लोगों का है, ठीक है। अब क्या है, हम अपने सेशन को थोड़ा होलिस्टिक रखते हैं, इसलिए हिंदू कम्युनिटी, पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं, ताकि प्री के लिए भी हमारी प्रिपरेशन हो, मेंस के लिए भी हो, एंड ऑफकोर्स इंटरव्यू के लिए भी हो। चलिए, अब पाकिस्तान की अधिकांश हिंदू आबादी सिंध प्रांत में बसी हुई है, ठीक है ना। अधिकांश हिंदू आबादी कहाँ पे बसी हुई है, सिंध प्रांत में बसी हुई है। अब आपने क्या करना है बच्चे, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि एक तो पाकिस्तान का जो प्रांत है उसका नाम सिंध है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रांत पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जितने भी प्रांत हैं, 2 हैं 5 हैं 10 हैं, कितने भी हैं, जितने भी हैं, उन सब का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो बच्चे शैतानी और बदमाशी और आतंक फैला के रख रखे हैं, वो चैट बॉक्स है। इस सेशन के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है, चलिए, कि पाकिस्तान में कितने कितने कौन कौन से प्रांत हैं। चलिए, अब जो सिंध प्रांत है वहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है पाकिस्तान में, ठीक है ना। और क्या, अब ऑफ कोर्स जहाँ पे माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, वहाँ पे लोगों का क्या होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, तो वहाँ के जो मुस्लिम निवासी हैं उनके साथ जो हिंदू आबादी है सिंध प्रांत की, वो संस्कृति, परंपरा, भाषा, सारी चीज़ें साझा करती है, जैसे कि हमारे भारत में भी होता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत बार ऐसा होता है, पाकिस्तान से खबरें आती रहती हैं कि ये जो हिंदू माइनॉरिटी है पाकिस्तान की, वो चरमपंथियों द्वारा उत्पीड़न का शिकार होती रहती है आए दिन, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये जो हिंदू टेंपल मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ है पाकिस्तान में, ये सारी चीजें बहुत चौंकाने वाली और बहुत ज्यादा हकीकत में इतिहास रचने वाली है, कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली है। अब चलिए, प्री के हिसाब से तो मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिया, ठीक है, लेकिन मेंस के हिसाब से आपसे एकदम क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे, कि इन सारी चीज़ों के बाद, इस कमिटी के गठन के बाद, देखो इनके, इसका मतलब है कि अभी तक, इस कमिटी के गठन के पहले तक, जिस तरीके से हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी के परसिक्यूशन की बातें आती रहती थी पाकिस्तान से, कंसिडरिंग दैट थिंग, और साथ ही साथ अब इतना पॉजिटिव मूव कि हिंदू टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी बनाई गई है, ठीक है, पाकिस्तान में, तो इन सारी चीज़ों के बाद भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनका जो डायनेमिक्स है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें बदलेंगी, किस तरीके से बदलेंगी, किस तरीके के बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का भी जवाब एकदम लिख सकते हैं। आप सभी के जवाब का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और एक और बात, आप जो भी जवाब लिखें, पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव लिखें, आपकी अपनी ओपिनियन है, बस मेरा इतना कहना है कि अगर आप सीरियस सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं तो जो भी जवाब दें उसके वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ जवाब दें, आपके हर जवाब को कंसिडर किया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं क्या, कि पाकिस्तान के इस कदम पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ये जो इतना पॉजिटिव एक स्टेप पाकिस्तान ने लिया है, इससे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप मेरी पूछे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान को रियलाइज हो रहा है कि भैया इस तरीके से माइनॉरिटी का परसिक्यूशन करके हम कहीं नहीं जा पाने वाले हैं, अगर हमको अपने देश की स्थिति सुधारनी है, लोकतंत्र में सुधार लाना है, ठीक है, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है, गहरा करना है, तो हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी बराबर से ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अब सारी चीज़ें, ये जो जो भी पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके इम्प्लीमेंटे
एक्सपेक्टेशन पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, क्योंकि आपने बस ये बोल दिया कि हमने ऐसा कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन पर अब बेस्ड है कि जैसे जैसे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं उस तरीके से शायद हमारी और आपकी सभी की राय इस पूरे मुद्दे पे पॉजिटिव बनती जाए, या फिर अगर फिर से ऐसा ही होता है कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को माइनॉरिटी ग्रुप के फेवर में इंप्लीमेंट करने में फेल हो जाता है कहीं ना कहीं, तो फिर से हमारी राय कैसी बन जाएगी, नेगेटिव बनेगी। एंड ऑफ कोर्स ऊपर वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत पाक के संबंध भी क्या है, अब इस कमिटी के गठन के बाद से और इस कमिटी के इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करेंगे, कई सारी चीज़ें एक दूसरे को भी इम्पैक्ट करेंगी। तो आप इस तरीके से भी अपने इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, और इन दोनों सवालों पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे आपके जवाब का बहुत ज़्यादा रहेगा इंतज़ार। और आपको कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना है, अपने फीडबैक बच्चे ज़रूर देना है। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो भी, और अगर नहीं लगता है तो भी, लेकिन आपके फीडबैक्स बहुत मैटर करते हैं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सेशन आते रहें तो। क्योंकि ये सही बात है कि अगर आपका रिस्पांस, आपके फीडबैक अच्छे नहीं आएंगे, अगर आप ये सेशन ज्यादा, आपको लगेगा कि कुछ हमारी लाइफ में सेशन वैल्यू एड नहीं कर रहे हैं, तो शायद ऐसा होगा कि हर बार की तरह इन करंट अफेयर के सेशंस को भी हमें शायद बंद करना पड़ जाए। मतलब सच बता दिया, आपको डरा नहीं रही हूँ न्यू ईयर की ईव पर, बट स्टिल चलिए। अब देखिए 8:30 सुबह 8:30 शाम को मेरे सेशन आते हैं, मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना। जो बच्चे प्लेलिस्ट की बात करते हैं, प्लेलिस्ट वाले इसी चैनल, जिस चैनल पर आप अभी मुझे देख रहे हैं, प्लेलिस्ट वाले सेशन सेक्शन पर जाइए और क्या करिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, आपको मेरी पुरानी तस्वीर के साथ पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे वीडियोज़ हैं बच्चे, बहुत सारे वीडियोज़ हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, आप जाइए उन सारे के सारे सेशंस को देख सकते हैं। चलिए अब न्यू ईयर के लिए एग्जामपुर लेकर के आया एक बहुत बड़ा धमाका। एग्जामपुर के सारे कोर्सेज पर आपको मिलेगा इंस्टेंट 25% का ऑफ। हाँ जी, ये ऑफर केवल और केवल 3 जनवरी सुबह 8 बजे तक के लिए ही वैलिड है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस की, स्टेट पीसीएस की, डिफेंस एग्जामिनेशंस की, टीचिंग एग्जामिनेशंस की, लेखपाल की, आरओएआरओ की, कांस्टेबल की एंड व्हाट नॉट, किसी भी चीज की, सारे के सारे एग्जामपुर के बहुत बेहतरीन एक से बढ़कर एक कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप, और फिर जल्दी से अपनी चॉइस और अपने टारगेट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कोर्स कर लेना है परचेज। देखिए ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जल्दी से इसका फ़ायदा उठाइए, अदरवाइज 3 तारीख के बाद से, 3 जनवरी सुबह 8 बजे के बाद से अगर आप कोई भी कोर्स अवेल करना चाहेंगे एग्जामपुर का, तो आपको देना होगा जो भी जनरल प्राइस है वो। लेकिन अभी आपके लिए न्यू ईयर ऑफर लेकर के आया है एग्जामपुर, इसीलिए अभी अगर आप कोई भी हमारे कोर्स करते हैं क्या अवेल, तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 25% का ऑफ। चलिए अब देखिए सार्थक बैच जो कि आपकी कराएगा प्री कम मेंस की डेडिकेटेड तरीके से तैयारी, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर है, बहुत सारे बच्चों ने अवेल कर चुका है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी आईएएस पीसीएस या फिर ऑफकोर्स आईएएस या पीसीएस की कर रहे हैं तैयारी और करना चाहते हैं डेडिकेटेड स्ट्रक्चराइज मैनर में तैयारी, जल्दी से सार्थक बैच को कर लीजिए अवेल। अब अगर आप या आपके फ्रेंड या आपके भाई बहन स्क्रीन पे दिए गए इन 10 एग्जाम्स में से किसी भी एक एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, तो एग्जामपुर लेकर के आया है सुपर कॉम्बो परचम बैच। हाँ जी बच्चे, 10 के 10 एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है मात्र 1170 के नॉमिनल कॉस्ट पर, ठीक है ना। और अभी क्योंकि चल रहा है क्या हमारा न्यू ईयर ऑफर, ठीक है, तो इस पे आपको इस कॉस्ट पर भी मिलेगा 25% का इंस्टेंट डिस्काउंट। आपने कोड क्या लगाना है, NEW25, ठीक है, मुझे क्रिसमस वाला याद आ गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको कोड लगाना है NEWNEW25 और आपको परचम, सुपर कॉम्बो परचम बैच पर भी मिलेगा क्या इंस्टेंट 25% का ऑफ। कोई भी कोर्स अगर आप अवेल करते हैं एग्जामपुर के, आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंट 25% का ऑफ। बार बार बता रही हूँ, बहुत कम समय के लिए पूरा का पूरा ऑफर वैलिड है, जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाएं। चलिए अब एक और बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपने जवाब तो ज़रूर लिखें, फीडबैक ज़रूर दें कि मैम ऐसे सेशन आप लेकर के आती रहें या मत आएं, दोनों चीज़ें चलेंगी। लेकिन आज है 2021 का आखिरी दिन, अगर आप कुछ भी कहना पूछना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप सभी के
कुछ भी कहना या पूछना चाहते हैं, आप सभी के फीडबैक का मुझे बहुत ज़्यादा रहेगा इंतज़ार। और क्या, जल्दी से जाइए फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर आप जाएंगे, आपको हर जगह हमारे एग्जामपुर की कम्युनिटी मिलेगी। तो जल्दी से इन सारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर के भी एग्जामपुर की फैमिली को कर लीजिए फॉलो, जुड़ जाइए हमसे। ऑफिशियल ऐप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया एडवांस में। अब वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, वैक्सीनेशन करवा लीजिए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। आशा करती हूँ 2022 में आप सभी लोग अधिकारी पद संभालेंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, हमसे मिलने के लिए हमारे ऑफिस आएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को न्यू ईयर की। मिलते हैं अगले साल, मतलब कि कल सुबह 8:30 बजे फिर से करंट अफेयर के सेशन में, बहुत बेहतरीन तरीके से एक करंट अफेयर को फिर से हम करेंगे ऐसे ही डिटेल में क्या डिस्कस। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, बढ़िया तरीके से करिए न्यू ईयर एंजॉय, बेहतरीन तरीके से करिए पढ़ाई। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा अपने कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।